हाय मैडम। हेलो, व्हाट डू यू वांट? मैम, वी आर हिंदुस्तानी पीपल, वी स्पीक वेरी नीट एंड क्लीन एंड शुद्ध हिंदी। तो क्या चाहिए आपको? आप तो एक ही आइटम बेच रही हैं, मैडम, हवा हवाई। हाउ स्वीट, यू नो माय नेम। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अमेरिका से। अमेरिका में आपके ऑयल की काफी तारीफ सुनी है। कम ऑन, क्यों मजाक करते हैं आप लोग? कहाँ अमेरिका और कहाँ ये मुंगा वाली गली? मैडम, ये सच कहता है, आपका तेल उतना ही प्रसिद्ध है जितना कपूर साहब के खिलौने। कपूर साहब तो बड़े आदमी है, मैं तो नहीं। नहीं, आप लोग कितने फेमस हैं? इसका हमें पिछले हफ्ते मालूम हुआ। मैडम, यू नो टू मिस्टर कपूर, क्या आप उनसे मिली हैं? ही इज वेरी नाइस मैन, यू नो, Always he takes care of me. वो तो मेरे लिए भगवान जैसे। हाँ हाँ, बड़ी फैक्ट्री है, क्या पता कल आप उसकी ऑनर ही बन जाए। ए, क्या बोलता है तुम? मेरा नजर उनका फैक्ट्री पर है ही नहीं। अरे अरे, कैरेक्टर चेंज, कंटिन्यूटी पे इतना बड़ा झटका? आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? He is a great man. हाँ हाँ, इंसान है, पर दिल का क्या भरोसा? Shut up! बदतमीज कहीं का। मैडम, हवा भाई, क्या बात है? देखिए ना कपूर साहब, कब से ये दोनों आपके और मेरे बारे में क्या क्या बके जा रहे हैं। बक नहीं रहे मिस्टर कपूर, सच्चाई बता रहे हैं। लाला मजनू का इश्क की तरह आप और मिस हवा भाई का इश्क भी आज सारी दुनिया में मशहूर है। बदतमीज कहीं के, सच कह रहे हैं, हिंसा में उतर आए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बहन भाई के रिश्ते पर कलंक लगाते हो। भाई बहन, गुड मॉर्निंग हैरी साहब। हैरी साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी बीवी बीमार है। पैसे तो मुझे भी चाहिए। आपको किस लिए? आपको किस लिए? तुम्हें देने के लिए। क्या? अरे बेवकूफ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहां नौकरी कर रहा होता। तो क्या कर रहे होते? हॉलीवुड में भूत का मकान बनाकर ऐश कर रहा होता। अरे साहब, अभी आपके इतने दिन अच्छे नहीं आए। क्यों? आप फेल हो रहे हैं, सारे के सारे के एक एक करके आपके हाथ से फिसलते जा रहे हैं, फिसलते जा रहे हैं, और सारी की सारी इज्जत राम गोपाल के माथे पर जा चुकी है। अरे साहब, राम गोपाल, राम गोपाल, राम गोपाल, राम गोपाल, राम गोपाल, तीर में तुक्का मारते हैं और जासूस बने फिरते हैं। जनाब, आपका तुक्का तो हुक्के में गया। 100 सुनार की गोली एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार मुझे मौका मिल लेते, एक बार उनका नाम और निशान मिटा दूंगा। ऐसी घंटी बजाऊंगा, ऐसी घंटी बजाऊंगा, ऐसी घंटी बजाऊंगा कि जनाब आप उनकी घंटी बजाइए, मैं तो चला रूमी के पास। हेलो, इंस्पेक्टर हैरी स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, मगर पैसे मत मांग। इस बार तो आप अपनी मर्जी से मुझे पैसा देंगे। मेरे पास खबर ही ऐसी है। क्या खबर है? नेशनल पार्क के करीब दादा बाड़ी में जो पुराना का पुतला बंगला है, वहाँ एम्बुलेंस ने आज रात सैमसन का माल लाया। अच्छा, माल लाने वाले और माल देने वाले भी दोनों पक्ष जा सकते हैं, बस आपको हिम्मत रखनी होगी। तुम क्या मुझे डरपोक
समझते हो? नहीं नहीं, वो खतरनाक लोग हैं। आपने तो उनका नाम सुना ही है। आपके हाथ में जाए तो चिकन की तरह संदूर में खून कर खा जाते। आपको पैसा मिलेगा ना? हाँ ठीक है, तुम कल फोन करना। हो गया वही समझिए सर। अच्छा कौन सा केस? सैमसन सर, मैं सैमसन को गिरफ्तार करने जा रहा हूं। सर आपको यकीन नहीं होता, मिस्टर हैरी सैमसन बहुत बड़ा स्मगलर है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। और फिर तुम तो ऐसे बात कह रहे हो जैसे पुलिस जीप में पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हो। सर मैं इस केस को अपनी तरह से हल करना चाहता हूं। ओके, अगर तुम्हें पुलिस की मदद चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके, तो फिर तुम रामजी गोपाल जी की मदद ले लो। सर हाथी को पकड़ने के लिए शेर का जिगर चाहिए, वो चूहे क्या करेंगे? मिस्टर हैरी सैमसन बहुत बड़ा स्मगलर है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं। सर आज मैं आपके मुंह से खिलवा कर रहूंगा, हैरी यू आर ग्रेट। मिस्टर हैरी आज आपके तेवर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। यस सर। एनीवे कीप इट अप, ऑल द बेस्ट। राइट सर। जो कुछ हुआ ना सब तेरी वजह से हुआ। क्यों, मैंने क्या किया? ना तो सुबह घर से निकलते वक्त ना नुकुर करता और ना मुझे तमाचा खाना पड़ता। तुझे एक ही तमाचा पड़ा है, तुझे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है गोपाल, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है हमारी इज्जत पर। भाई पहले हम कुछ लोग कुछ और थे, अब हम लोग वर्ल्ड फेमस जासूस हैं। कहीं लोगों को पता चलेगा ना तो मुंह पर थूकेंगे, मुंह पर। इससे हमारी मार्केट खराब हो सकती है। किसने कहा था अंधेरे में पत्थर मारो, और कौन कहता है जासूसी करो? यार वैसे मुझे वो मीना मुकेश की पिटाई आज भी याद है। बच्चे तुझे भी एक पिटाई और याद रहेगी। कौन सी पिटाई? वो जो तूने टीवी फ्रिज कूलर इंस्टॉलमेंट पर लिया है ना, वाली पिटाई तेरे को। यार भरूंगा तो मैं ही ना, तू चिंता क्यों करता है? हम हैं तो क्या कम है, जिंदगी में ऐश कर लो। यार मेरे से तो अब चला नहीं जा रहा, मैं तो थक गया हूँ। गोपाल चल जा।
राम 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 यार ये राम पता नहीं कहाँ चला गया यार। यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल। अब ये सफेद जहर आने वाली नस्लों के शरीर में डालकर अपने शरीर को मजबूत करेंगे। सर हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, इसने इंस्पेक्टर हरी को हमारे यहाँ नहीं खबर दी है। ऐसे न जाने कितने इंस्पेक्टरों को हमने जमीन की धूल चटा दी है। सो डोंट वरी। हमें सरेंडर कर देना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। हिलाता गोली मारना। कोले 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 मालूम है तुम लोगों की क्या गड़बड़ा आगे बढ़ा स्मगलिंग करने के लिए। अच्छा तो नानी याद आ जाती है। राम तू ये सिर उड़ गया, अगली कुछ भी ढूंढ गया, मानेगा इनको।
उड़ाया।
फंसा पड़ा है। बेवकूफ उल्लू उल्लू की तुम। लगता है रामगोपाल ने आपका भी मजाक उड़ाया है। हैरी डिसूजा का मजाक अच्छा ही किया। रोमे मेरा मतलब था सर, मेरा मतलब था कि उन्होंने सिर्फ आपका मजाक ही नहीं उड़ाया, आपके हाथ का केस भी उड़ाया है। अगर आप मेरी बेटी को ढूंढ देंगे तो मैं आपको अपनी तरफ से नाम दूंगी। नाम? आप फिक्र मत कीजिए, अपना नाम पता और टेलीफोन हवलदार को लिखवा दीजिए। क्या फायदा, सरकारी कागज खराब होगा, होना तो कुछ है नहीं। मैडम मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप दोबारा रामगोपाल जी से मिल लीजिए। देखो यार तुम मेरा कहना माना करो वरना तुम दोनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो, मजबूरी है साहब। ना तो आपका ट्रांसफर होता है पर ना ही प्रमोशन, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो शराब